सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन मीन्स इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन द सम ऑफ ए प्लस बी विल बी ऑल्सो इंटीजर। क्या कह रहे हैं, अगर ए और बी कोई इंटीजर है तो जो उनका सम होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, अगर ए और बी क्या इंटीजर हैं तो जब आप दो इंटीजर को ऐड करोगे तो ऐड करने का जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा, या तो नेगेटिव इंटीजर होगा या पॉजिटिव, लेकिन आएगा क्या, इंटीजर। ठीक है, इसका दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग। बिलोंग्स मीन उसमें आता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 7 और 5, ए के बदले 7 है, बी के बदले 5 है, या बी के बदले 7 है या ए के बदले 5 है। ठीक है, तो दो इंटीजर क्या, ए और बी, ए 7 है बी के 5, देन इनका जो सम आएगा 7 प्लस 5 वो कितना है, 12। तो 12 इज ऑल्सो अ इंटीजर। ठीक है, 7 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब जो उनका सम आएगा 7 प्लस 5 वो कितना है, 12। तो 12 इज ऑल्सो इंटीजर लेकिन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, अब जैसे 8, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 8, और बी का काम कौन कर रहा है, -2। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव है, यहाँ पे क्या थे, दोनों पॉजिटिव, लेकिन इस केस में क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर। अब जो भी इनका सम आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर, चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव, लेकिन आएगा क्या, इंटीजर। देन इन दो का सम, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो 8 ऐसी प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 2 = 6, 6 इज ऑल्सो इंटीजर दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, इन दो का इंटीजर सम करके कितना आया, इंटीजर आया लेकिन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो दो भी अगर कभी भी दो इंटीजर होंगे तो उनका सम जो भी आएगा करके वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, चाहे वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, लेकिन आएगा इंटीजर ही। ठीक है, इसी में सेकंड पार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। ये क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी वैलिड होती है। एडिशन के अंदर तो वैलिड है और साथ में सब्ट्रैक्शन के अंदर भी वैलिड है। जैसे ए और बी इंटीजर हैं तो इन दो का जो सब डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर। मीन्स अगर ए और बी कोई इंटीजर है तो इन दो इंटीजर को माइनस करोगे तो जो माइनस करके आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर। एग्जांपल जैसे -8 और -2 दो इंटीजर, दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर, ये भी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर। तो -a - b, तो ए कितना है, -8, फिर माइनस, और बी कितना है, -2, तो -8 ऐसे, फिर -, प्लस, तो -8 + 2 कितना देगा आपको, -6, क्योंकि अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर नंबर का। ठीक है, कितना आया, -6। -6 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, लेकिन आया क्या, इंटीजर ही आया, सो -6 इज ऑल्सो इंटीजर। सो अगर दो इंटीजर को आप माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इनका जो सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव इंटीजर आए, चाहे नेगेटिव। ठीक है, सो नोट क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन फॉर ऑफ इंटीजर इज वैलिड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है, मीन्स इन दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लो उसका। अब यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी, यहाँ पे ए भी क्या पॉजिटिव इंटीजर, बी भी क्या पॉजिटिव। अब इनको क्या कर रहे हैं, माइनस, तो ए माइनस बी, अब जो भी आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करके दो इंटीजर का वो भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। अब 2 आया, 2 भी क्या है, इंटीजर, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। पहले हम देख रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए प्लस बी है तो उसको हम लिखते हैं बी प्लस ए, अगर 7 + 3 है तो हम उसको 3 + 7 लिखें तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। ठीक है, मतलब ऑर्डर आप रिवर्स कर दो तो भी आंसर क्या आना चाहिए, सेम। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिशन क्या है, वैलिड होती है। ठीक है, ए प्लस बी, अगर दो इंटीजर को आप ऐड कर रहे हो तो उसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो भी इनका सम क्या आना चाहिए, सेम। जैसे ए क्या है, 5 है, बी क्या है, 3, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ, का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, 5 + 3 कितना देगा, 8, और 3 + 5 भी कितना देगा, 8। ठीक है, वेयर जहाँ पे ए और बी क्या है, इंटीजर। सो अब अगर ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तो भी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में इनका वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, सो दो इंटीजर को अगर आप उनका ऑर्डर रिवर्स करके ऐड करोगे तो भी इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। अब जैसे ए इस बारी क्या है, नेगेटिव इंटीजर, बी भी क्या है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव से, यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव, 8 - 9 नेगेटिव इंटीजर, बी भी क्या है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कैसे, ए कितना है, -3 - 9, फिर प्लस, अब बी कितना है, -3 इक्वल टू
यहाँ पे क्या बी प्लस है, तो बी कितना है माइनस थ्री, फिर प्लस, और ए कितना है माइनस नाइन, तो माइनस नाइन फिर प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो कितना है माइनस ट्वेल्व, वैसे ये माइनस थ्री फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का नाइन, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका माइनस का, तो ए प्लस बी करने में भी कितना आया माइनस ट्वेल्व, और बी प्लस ए करने में भी कितना आया माइनस ट्वेल्व। सो ऑर्डर चेंज करने में जो इंटीजर की वैल्यू आती है कम्यूटेटिव में वो क्या था सेम आती है, ठीक है। आप चाहे सेवन प्लस थ्री करो या थ्री प्लस सेवन करो, आपका आंसर क्या आएगा सी। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फ्रॉम इंटीजर्स, मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इज नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, मीन्स अगर ए माइनस बी करोगे वो इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ए माइनस बी करके जो वैल्यू आएगी जरूरी नहीं है वो बी माइनस ए करके सेम वैल्यू आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दोनों इंटीजर के हैं पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए भी पॉजिटिव इंटीजर बी भी पॉजिटिव इंटीजर, अब ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए आएगा, ए कितना है फाइव, बी कितना है माइनस थ्री, तो फाइव माइनस थ्री टू, लेकिन प्लस का क्यूब, बड़ा नंबर क्या फाइव, उसका क्या साइन इसका प्लस का, तो इसलिए यहाँ से क्या आया पॉजिटिव इंटीजर, अब बी माइनस ए करते हैं, बी कितना है थ्री और ए कितना है माइनस फाइव, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, फाइव में से थ्री क्या टू, लेकिन माइनस का टू क्यों, बड़ा नंबर क्या है फाइव, उसका क्या साइन किसका है माइनस का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों के सेम, ये भी टू है ये भी, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो ये दोनों क्या है नॉट इक्वल, इक्वल तब होंगे अगर यहाँ पे भी प्लस हो यहाँ पे भी प्लस, या अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव, तब ये इक्वल होंगे, लेकिन ये क्या है अपोजिट, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, इसलिए नॉट इक्वल टू, ठीक है। ऐसे ही ए कितना है माइनस नाइन, बी कितना है माइनस थ्री, इस बार दोनों केस में क्या है दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, सो ए माइनस बी विल बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ए कितना है माइनस नाइन, फिर माइनस बी कितना है माइनस थ्री, इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बी कितना है माइनस थ्री, फिर माइनस और ए कितना है माइनस नाइन, माइनस नाइन ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का थ्री, नॉट इक्वल टू माइनस थ्री, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का नाइन, माइनस के नाइन में से प्लस का थ्री जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का सिक्स, और माइनस के थ्री में से प्लस, माइनस के थ्री में प्लस का नाइन ऐड करोगे कितना आएगा प्लस का सिक्स, अब ये प्लस का सिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों के सेम है, लेकिन क्या है साइन अपोजिट है, ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का, इसलिए नॉट इक्वल टू। सो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन बट नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन, सो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इज ओनली वैलिड फॉर एडिशन बट नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने में क्या रहा है इक्वल वैल्यू नहीं आ रही, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन अलग आ रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, अगर साइन भी सेम आएंगे तो ही वो इक्वल आएंगे, इसलिए नेगेटिव नॉट इक्वल टू इसलिए क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन बट नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटीजर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट इज फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है, पहले हम एडिशन की चेक करेंगे, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, इंटीजर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन के लिए वैलिड होती है, मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन इंटीजर होंगे, अगर पहले इंटीजर को आप अलग रखो और दो इंटीजर को एक साथ ब्रैकेट में बंद करो तो उसकी वैल्यू सेम आएगी, अगर आप फर्स्ट और सेकंड इंटीजर को एक साथ ऐड करो और थर्ड को अलग रखो, ठीक है, तो इधर कितने इंटीजर हैं तीन इंटीजर हैं ए बी सी, ठीक है, अगर आप फर्स्ट इंटीजर को अलग और सेकंड और थर्ड इंटीजर को एक साथ ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू उनकी वैल्यू सेम आएगी, अगर फर्स्ट और सेकंड को एक साथ ऐड करोगे और थर्ड को अलग, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ए तीन इंटीजर हैं ए बी सी, ए पॉजिटिव इंटीजर है फाइव, बी नेगेटिव इंटीजर और सी भी क्या पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी उससे चाहे तीनों नेगेटिव हो चाहे तीनों पॉजिटिव चाहे एक पॉजिटिव दो नेगेटिव या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, आंसर सेम आएगा। सो ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ए फाइव था, ए को हमने पहले अलग रखा, प्लस बी और सी को हमने एक ब्रैकेट में रखा, बी हमारा माइनस थ्री और सी हमारा प्लस टू इज इक्वल टू, अब इस केस में हम ए और बी को एक साथ ब्रैकेट में रख रहे हैं और सी को अलग, ठीक है, तो फाइव ऐसे माइनस थ्री प्लस टू कितना आपको माइनस का वन इक्वल टू फाइव प्लस माइनस माइनस, तो फाइव माइनस थ्री और प्लस का टू ऐसे फाइव प्लस माइनस माइनस, तो फाइव माइनस वन इक्वल टू फाइव माइनस थ्री टू और फिर प्लस का टू, फाइव में से वन जाएगा कितना हो जाएगा फोर, यहाँ से टू प्लस टू फोर, तो दोनों की वैल्यू क्या आई सेम, इधर से भी फोर आया इधर से भी फोर आया, ठीक है। सो वैल्यू इंटरचेंज करने में चाहे आप फर्स्ट और सेकंड को एक साथ ऐड करो और थर्ड को अलग रख दो या फर्स्ट को अलग रखो और थर्ड और सेकंड को ऐड करो एक साथ तो वैल्यू क्या आएगी सेम, ठीक है, ये केस कब है एसिडिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर अंडर एडिशन, ऐसे केस में अब
तीनों इंटीजर क्या हैं, नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव, सी भी नेगेटिव, ठीक है। तो ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो इधर ए माइनस 10 अलग और बी और सी को एक साथ ब्रैकेट में, तो माइनस 3 प्लस माइनस 4 इक्वल टू, अब इस केस में ए प्लस बी एक साथ ब्रैकेट में और प्लस का सी और सी वाला अलग, ठीक है। तो माइनस 10 ऐसी, माइनस 3 ऐसी, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ब्रैकेट में देगा माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 10 ऐसी, फिर प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस सी वाला पार्ट ऐसी, माइनस 10 ऐसी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का। तो माइनस 10 प्लस ब्रैकेट में तो माइनस का 7 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का 13, और ये माइनस 4 ऐसी। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस 10 और माइनस 7, और ये माइनस का 13 ऐसी, और ये माइनस का 4 ऐसी। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, वैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का। तो यहाँ से भी माइनस 17 आया, यहाँ से भी माइनस 17 आया। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज वैलिड, ठीक है। मीन्स अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे एडिशन में, तो इंटीजर्स में वो क्या होगी, वैलिड, मीन्स उसकी वैल्यू सेम आएगी। चाहे आप जैसे ये, तो ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आप फर्स्ट को अलग रखो, सेकंड और थर्ड को एक साथ ब्रैकेट में बंद ऐड करो, या फर्स्ट और सेकंड को एक साथ ब्रैकेट ऐड करो, थर्ड को अलग रखो, तो वैल्यू दोनों तरफ से क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज, सेकंड पार्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। अब हम चेक करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है या नहीं है, ठीक है। एडिशन के लिए तो वैलिड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है इंटीजर के लिए सब्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। मीन्स ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो अगर यहाँ पे आप ए को अलग रखो या बी माइनस सी को एक साथ ब्रैकेट में बंद करो, तो उसकी वैल्यू नॉट इक्वल आएगी किसके, अगर आप ए और माइनस बी को एक साथ ब्रैकेट में करोगे और सी को अलग, ठीक है। जैसे ए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे तीनों इंटीजर क्या है, पॉजिटिव, ए भी 5 पॉजिटिव इंटीजर, बी भी पॉजिटिव इंटीजर, सी भी पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने पहले ए को अलग रखा, माइनस बी और सी को एक साथ सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मैंने करा इस वाले पार्ट में ए और बी को एक साथ सब्ट्रैक्ट करा और सी वाले पार्ट को अलग, तो माइनस 5 ऐसे, माइनस 7 से 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 1, ठीक है। प्लस का 1 बचेगा, तो 5 माइनस यहाँ पे बचा प्लस का 1, और 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4, ठीक है। इस साइड से कितना है, 4, यहाँ पे मैंने ए और बी एक साथ सेपरेट किए थे और सी वाला पार्ट अलग रखा था, तो 5 में से माइनस का 7 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2, और ये माइनस का 6 ऐसी। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का। अब इधर से माइनस का, यहाँ से प्लस का 4 आया, यहाँ से माइनस का 8 आया, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू और इस वाले पार्ट की वैल्यू सेम नहीं आई। जैसे इस केस में क्या था, इस वाले पार्ट की वैल्यू एडिशन में सेम आई थी और इस वाले पार्ट की वैल्यू भी सेम आई थी। जैसे यहाँ से 17 आया था, यहाँ से भी 17 आया था, तो ये वैलिड था, लेकिन सब्ट्रैक्शन केस में यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे माइनस 8। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड अंडर सब्ट्रैक्शन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर इज नॉट वैलिड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर की प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है, ठीक है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन बट नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो वैलिड होती है, बट नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन। अब सर द लास्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स एडिंग जीरो टू द इंटीजर। एडिटिव आइडेंटिटी जब भी आएगा, मीन्स आपको क्या ऐड करना है, जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि यू हैव टू ऐड जीरो टू द इंटीजर। तो इसका मतलब होता है ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। किसी भी इंटीजर में आप जीरो ऐड करोगे या जीरो में कोई भी इंटीजर ऐड करोगे, आपको वो वही इंटीजर देगा, ठीक है। कोई भी इंटीजर में आप अगर जीरो ऐड करोगे या किसी भी, या जीरो में कोई भी इंटीजर ऐड करोगे, तो आपको वापस वही इंटीजर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 5 इंटीजर है, 5 में आपने 0 ऐड करा या 0 में आपने 5 ऐड करा, तो आपको वही इंटीजर मिलेगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव इंटीजर था, या आपने अब नेगेटिव इंटीजर ऐड करा 0 पे, या 0 किस पे ऐड करा आपने नेगेटिव इंटीजर, तो आपको वही इंटीजर वापस मिलेगा, ठीक है। माइनस 6 ऐड करा था हमने 0 में, या 0 में माइनस 6 ऐड करा, हमें वापस वही इंटीजर मिला माइनस 6, ठीक है। सो ये आ गया। अब एडिटिव आइडेंटिटी, जब भी एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, मीन्स आपको ऐड करना है जीरो, और जब भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी, आपको मल्टीप्लाई करना है वन से। एडिटिव आइडेंटिटी में आपको
ज़ीरो ऐड करना है और मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आपको वन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना, एडिटिव एडिटिव मीन्स यू हैव टू ऐड ज़ीरो एंड मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई वन।